जीजा साली वायरल सीसीटीवी फुटेज, देश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना देश के अलग अलग राज्यों में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि लखनऊ पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने एक युवती सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी जीजा साली है। वहीं पुलिस को आरोपियों की करतूत का सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है। जीजा साली वायरल सीसीटीवी फुटेज मिली जानकारी के अनुसार मामला PPI थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों जीजा साली और दोनों चेन स्नेचिंग की वारदातों का अंजाम देते थे। बताया गया है कि आरोपी मोहम्मद आसिफ बाइक चलाता था और पीछे बैठी साली राधा चलती बाइक से ही महिलाओं के चेन लूट लेती थी। सीसीटीवी में फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आसिफ ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि वह बाइक चलाता था और राधा चेन लूट करती थी। दोनों में 8 वारदातों को अंजाम दिया है। लूटे गहनों का राह चलते लोगों को बेच देते थे। इसके लिए राहगीरों को मुसीबत में फंसे होने का झांसा देते थे। बता दें कि आसिफ 2016 में पारा की बाल संरक्षण गृह में फरार होने के बाद से लूट की वारदात कर रहा था। पारा थाने में आसिफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से पारा पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। PGI पुलिस द्वारा चेन स्नैचर्स को पकड़ा गया है। ये महिला और पुरुष थे, साथ में चेन स्नैचिंग करते थे। महिला पीछे बैठ के चेन खींचा करती थी और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें दो लोग हैं, मोहम्मद आसिफ और राधा, जो बरामदगी इनके पास से हुई है। एक अदद चेन टूटी हुई पीली धातु, एक अदद गलाया हुआ टिक्के के रूप में पीली धातु, 12,000 रुपये नकद और एक अपाचे मोटरसाइकिल। यही मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी।